गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास. दिस इज लेक्चर नंबर 30 एंड एक्सरसाइज 1.2. सो द थर्ड सम इज राइट फाइव रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2. असी फाइव रैशनल नंबर लिख के दिखाने हैं जो 2 के नालों स्मॉल हो. सो सब तो पहला जी 2 है, जो 2 नूं असी 14/7 लिख सकते हैं. इस तो इलावा असी बहुत सारे वेज दे विच लिख सकते हैं. इसनों देखो 16/8 भी लिख सकते हैं, दैन 18/9 भी लिख सकते हैं. बहुत सारे वेज के लिख सकते हैं, तुहाडी मर्जी है तुसी किस वे दे विच लिखना. सो मैं इत्थे 14/7 लिखिया जी, बिकॉज कैंसल करके 7 1 7 7 2 14 2 ही बनेगा. इस तो बाद जो रैशनल नंबर इस तो समॉलर लिखने हैं, सो 5 नंबर इस तो समॉल लिखते 13/7 12/7 11/7 10/7 एंड 9/7. ये रैशनल नंबर है बिकॉज पी बाय क्यू फॉर्म के आ गए साढ़े को. एंड 2 इज़ ऑलसो रैशनल बिकॉज 2 नूं असीं 2/1 भी लिख सकते हैं. सो 2 इज़ ऑलसो रैशनल नंबर. इस तरह बाकी के नंबर साढ़े को रैशनल ही होंगे जी. 3 नूं भी लिख सकते हैं, 4 नूं, 0 नूं भी लिख सकते हैं इवन असीं. नैक्सट फोर सम इज फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2. इन्हां दे विचकार दे असीं 10 रैशनल नंबर फाइंड करने ने. सो सब तो पहला तुसीं की करोगे, जो तुहाडे कोल नंबर दिते हुए ने उन्हां दे डिनोमिनेटर सेम बनाउणे आ. मीनस -2/5 है एंड 1/2 है, इन्हों किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि साढ़े को सेम डिनोमीनेटर बन. सो 5 4s are 20 बनेगा एंड 2 10s are 20. इस तो पहला होर किसी नंबर करे तो थोड़े को नहीं बनेगा डिनोमीनेटर सेम. सो इस उपर एंड नीचे इसनों मल्टीप्लाई करोगे एंड इधर 10 के करोगे. सो बनया -8/20 एंड 10/20. मेन पॉइंट इज डिनोमीनेटर सेम होने चाहिए आ. सो इन देकार हम तुम रैशनल नंबर लिख सकते हो जी. देखो विचकार मीनस इन्हों तो इस तो लैस एंड इस तो लैस तुम लिखते आओगे. साढ़े को -7/20 -6/20 -4/20 -5/20 -4/20 एंड अप टू सो ऑन तुम कर दे -1/20. उस तो बाद 0 बनेगा बिकॉज उपरला वैल्यू देखनी है -1 तक आगे दैन 0 1/20 2/20. इस तो अगे भी लिख सकते हो बट सानू 10 ही पूछे से. सो साढ़े 10 रैशनल नंबर इतने कंप्लीट हो जाते हैं. नैक्सट सम 5 है जी. फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5. अगेन तुसी इन्हां दे डिनोमिनेटर सेम बनाउणे आ. सो 3 नूं तुसी 5 दे नाल करोगे एंड 5 नूं 9 दे नाल, सॉरी 3 नूं 15 नाल करोगे एंड इत्थे 5 नूं 9 नाल करोगे, तां ही तुहाडे कोल डिनोमिनेटर 45 इन्हां दा बनेगा. इस तो पहलां किसी होर नंबर नाल मल्टीप्लाई करन तुहाडे डिनोमिनेटर सेम नहीं बनगे. सो साढ़े कोल बनिया 2/3 मल्टी, उपर भी असीं 15 नाल एंड नीचे भी कीता 30/45 बनया एंड इतने 36/45 न्यू नंबर्स बन गए. ये इन्हों के विचकार हम 5 रैशनल नंबर तुम लिख सकते हो 31/45 32/45 अप टू 35/45. सैकेंड एंड थर्ड पार्ट सेम ने, तुम इन भी डिनोमीनेटर सेम बनाने दोनों नंबर के एंड उन्होंने विचकार रैशनल नंबर फाइंड कर लेने. नैक्सट सिक्स सम है राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर दैन -2. -2 तो ग्रेटर दैन जो लिखने हैं जी 5 रैशनल नंबर. सो सब तो पहला अगेन -2 नूं असीं -14/7 लिख सकते हैं एंड इस तो ग्रेटर नंबर लिख देंगे -13/7 -12/7 -11/7 -10/7 -9/7. तुसीं एक गल याद रखनी आ कि जो नंबर लाइन होंदी है साढ़े कोल, इस ते जिहड़े पॉजिटिव नंबर होंदे आ 1 2 3 4, ये साढ़े कोल जिस तरह 1 छोटा है एंड 2 इस तो वड्डा है, 3 उस तो वड्डा, इस तरह होएगा. बट जो नैगेटिव नंबरस होंदे आ उस दे विच इस तो उल्टा असीं लैके चलदे आ नंबरस नूं. मीनस इस विच -4 नूं असीं छोटा काउंट करांगे -3 दे नालों एंड -3 छोटा होएगा -2 दे नालों, इस तरह एंड -2 छोटा होएगा -1 दे नालों. सो इस करके असीं -14 तो मीनस ग्रेटर नंबर इन्हां नूं काउंट कीता. एंड लास्ट सम इज फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4. अगेन तुसीं इन्हां डिनोमीनेटर सेम बनाउणे आ. इत्थे 16 नाल मल्टीप्लाई करोगे एंड इत्थे 20 दे नाल, दैन उन्हां दे विचकार 10 रैशनल नंबर लिख देने आ. थोड़ा चैप्टर कंप्लीट आ. ओके, थैंक यू.